This movie, Special Chubbies, brought three wonderful people into my life. The most friendly producer ever I have seen, Sheetalji, and the most talented lyric writer, Ishad Bhai, and most uncompromising yet very understanding technician friendly director, Neeraj Ji. These three wonderful people, I am very privileged for being associated with them. And I composed four songs for this album, and with all the versions, extra versions, there will be eight numbers in this album. My most favorite song is Kaun Mera, which is sung by Papun and Sunidhi Chauhan, both of them. Teen ghante riyaz ki, uske baad kaha ki ab mujhse nahi hota. Ab main isse zyada mere se aur kaam nahi hoga, itne paison mein itna hi kaam hoga. 8 saal se sabse zyada tax de raha hu. और तो बहुत मेहर है कि कोई आया नहीं अभी तक रेट डालने, और मैं हाथ जोड़ के अगर वो ये कार्यक्रम देख रहे हो तो उनसे कहूंगा कि आना भी मत. तो फिलहाल ये प्रश्न का जवाब ना ही दूं तो बेहतर है. अगर मेरे घर पे रेट पड़ी तो बहुत सारे जूते, कपड़े और बैग्स मिलेंगे. मेरी बच्ची 2 साल की है तो उसके खिलौने मिलेंगे बहुत सारे आपको. और बहुत सारे डायपर्स मिलेंगे आपको. किरण जी मिलेंगी, बहुत अच्छी तरह से मिलेंगी. I'll say the other way. मुझे लगता है खूब सारी खुशियां मिलेंगी घर में, बिकॉज हर जगह कहीं ना कहीं बटोर के रखे. मैं खुद भी विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि मुझे हमारे करीम साहब जो हैं, उन्होंने मुझसे ये गवा लिया. ऑब्वियसली मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 3 घंटे सिर्फ मैंने रियाज किया, और ये नहीं है कि मैं इसे अपना एक और करियर समझ के इस पे मैं अब शुरू हो जाऊं कि मैं गाने गाऊंगा. मुझे अपनी इंतहा अच्छी तरह पता है, मेरी चादर कितनी लंबी है, मैं सिर्फ यहीं तक रह सकता हूं. ये मैंने ऐसे शौकिया तरीके से गा लिया, और मैं गाने का कारण भी बता सकता हूं, क्योंकि ये गाना पिक्चर शुरू होने से पहले बन चुका था, एंड मुझे इतना मजा आता था ये गाना गाने में, इतना मजा आता था. तब जाके मेरे डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने बोला यार तू कोशिश क्यों नहीं करता, ये गाना तू भी गा के देख ले. तब उसके बाद एक आइडिया सा आया कि हम ये गाना गा के जरूर देखते हैं, और साथ में ये भी था कि अगर नहीं अच्छा निकलेगा तो हम उसे रद्द पे डाल देंगे. पहले एक शब्द, पंजाबी शब्द गाई थी बहुत पहले, फिर एक बार स्नूप डॉग के साथ ऐसे ही रैपिंग कर ली थी. इनकी 26 जनवरी स्पेशल 26 में 26 जनवरी हो सकती है. बिल्कुल हो सकती है ये गाना. हाँ बिल्कुल, मेरी बीवी को आज एनिवर्सरी है मेरी कल, और उनको ले, और प्लस अब थोड़े दिनों में वैलेंटाइन भी आने वाली है, आप भी गा सकते हैं. आप अपने बॉयफ्रेंड को कह सकते हैं कि वो दांत खोल के गाएं. बेटे आप कोई मेरे कोई चाचा भतीजा लगते हैं तो मैं आपको बताऊं. बस कुछ तो स्पेशल सोचा होगा. बेटा सोचा बेटा सब वो मेरे पास है. जी स्पेशल मोमेंट ये था जनाब की, जब मैं एक अच्छे से, मैंने इतनी फिल्में की अनुपम जी के साथ, और बहुत फिल्में की है, लेकिन ये खास फिल्म रही है कि एक कमाल के एक मित्र मुझे मिले, क्योंकि मेरे सारे सीन्स जो हैं इनके साथ ही हैं. नीरज पांडे साहब जिन्होंने मेरा इम्तिहान लिया है कि इतने दो खतरनाक एक्टरों के सामने मुझे खड़ा कर दिया, शर्म आनी चाहिए उन्हें. एक बड़ी कमाल की चीज है कि जो अक्षय साहब करते हैं वो मुझे पहले चार दिन मुझसे कराया गया, ऊंची ऊंची जगहों से कूदना, और मैं पहले शॉट के बाद ही मेरा बैग चला गया, फिर उसके बाद मुझे बहुत सारे ऑइंटमेंट लगा करके मुझे सही सलामत खड़ा करके फिर से एक्शन डायरेक्टर ने दौड़ाया. कनॉट प्लेस के कई सारे चक्कर लगवाए गए मुझसे, लेकिन यह है कि इस फिल्म को करते हुए पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक, इस फिल्म को करते हुए एक अभिनेता को जितनी संतुष्टि मिलती है, एक एक्टर को जो खोजता है अपने अंदर में, हर मोमेंट पे नीरज हमको वो देते रहे, तो इट इज़ बीन क्वाइट अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस थ्रू आउट. और आज भी जब हम मिले हैं, किसी भी फिल्म की खासियत ये होती है कि सारे एक्टर्स चाहे वो एक साथ फिल्म में मिले हों चाहे नहीं मिले हों, उनके साथ में एक अजीब सा एक बॉन्ड सा बन जाता है. तो मेरे ख्याल से हम सब में एक उसी इस फिल्म के कारण हम सब में एक बड़ा कमाल का बॉन्ड, कमाल की फ्रेंडशिप, कमाल का संबंध बना है, विच इज़ अ ग्रेट रिजल्ट ऑफ अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग अ फिल्म. जी देखिए सबसे पहले तो ये बताऊं कि इस फिल्म के अंदर काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं.
जैसे कि आप सबने जानते हैं कि नीरज पांडे जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने वेनसडे बनाई थी, उसके अंदर कितनी जगहों पे उल्टा सीधा सीधा उल्टा चलता रहता है। तो अगर मैं इसके बारे में जरा सा भी खुल के बात करूं तो आपका मजा निकल जाएगा। तो मैं यही कहूंगा, आपसे दरख्वास्त करूंगा कि जितना स्क्रिप्ट या स्क्रीन प्ले के बारे में ना बात करें तो बेहतर रहेगा। और स्पेशल चीज यही है कि मुझे बहुत मजा आया ये फिल्म के अंदर काम करके, मैंने काफी कुछ सीखा, मैंने अपने आप को री इन्वेंट किया, मैंने अपने आप को समझा कि ऐसे सिनेमा में भी काम करके मजा, बहुत मजा आता है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी, दैट इज स्पेशल फॉर मी। सबसे स्पेशल हस्ती जो है वो है इस फिल्म के डायरेक्टर, इस फिल्म के निर्देशक नीरज पांडे जी, बिकॉज हम उनके हाथों की कठपुतली थी। मैंने ये मेरी 461वीं फिल्म है। वेडनेसडे से 10 गुना ज्यादा बेटर रोल है ये, तो आपकी नजर में डिमोशन है क्योंकि आप जिंदगी को डिमोशन की हैसियत से देखते हैं, मैं जिंदगी को प्रमोशन की हैसियत से देखता हूँ। पहली बार मुझे स्क्रिप्ट दी गई थी तो मैंने पढ़ा था और मुझे ठीक ठीक लगी थी, तो मैंने फिल्म बोला ठीक ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद 2-3 महीने बाद मुझे कहा कि एक बार ये कहानी आप सुन लो नीरज जी की जुबानी से। तो मैंने नीरज से कहानी ये सुनी। एक सही बात है, किसी ने सही बात कही है कि अगर आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं किताब, हाँ भाई एक राजा था एक रानी थी, अच्छा उसके साथ ये गए वो गए, ठीक है। लेकिन जब कोई आपको बताता है कि एक राजा बहुत ताकतवर, तो उसके अंदर आप घुस जाते हैं, उसके अंदर आपको ये बात समझ में आती है कि स्क्रिप्ट की गहराई क्या है। तो उसी हिसाब से जब मुझे ये बताया गया, उन्होंने कहानी सुनाई, आई रियली एंजॉयड इट एंड आई फेल्ट लाइक आई मीन आई हाउ कैन आई मिस दिस एंड आई सेड राइट नाउ आई वांट टू स्टार्ट द फिल्म इन अबाउट 3-4 months एंड आई हियर इट इज टुडे आई एम फेसिंग हैविंग अ ग्रेट म्यूजिक सेशन एंड आई एम सो प्राउड ऑफ दिस फिल्म। नहीं मिलती नहीं जगह, हर फेस्टिवल पे 2-2, 3-3 लोग रहते हैं, 3-3 लोगों की फिल्में रहती हैं, तो मिलती नहीं जगह, तो फिर बिना कर लो। जैसे मैं पहले बताता हूँ, जब मैं आया था फिल्मों में, बड़े लोग लेते ही नहीं थे अपनी फिल्मों में, तो नए नए लोगों के साथ डायरेक्शन में काम करता था, वो भगवान की बेहद मेहर है कि वो चल पड़ी, तो उसी हिसाब से ये भी देख लेते हैं। नहीं जी, इसके अंदर बिल्कुल काफी चीजें, मतलब काफी क्या, मोर देन मतलब 100% ही सारी चीजें एकदम सही और बराबर, जितनी भी चीजें हुई थी जिंदगी में उस पर आधारित है, उस पर इंस्पायर्ड है और लेके ये फिल्म बनाई गई। एंड दैट इज व्हाट द बेस्ट पार्ट वाज, टू प्ले समबडी हु हैज डन दिस समवेयर और द अदर इन 1986। कि मुझे एक भी मेरा डायरेक्टर या प्रोड्यूसर बता दे जिनको मैंने ग्रीफ दिया है, मैं अपने बाल मंडवा लूंगा। वो मैं बाकी एक्टरों की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपनी बात करता हूं, मैं अपनी गारंटी ले सकता हूं। जितनी भी फिल्में मैंने की हैं, शुरू की हैं, एक बार फर्स्ट मुहूर्त क्लैप हुआ है, खत्म हुई है।